बिहार गुजरात मतलब आद्य शक्ति की उपासना की भूमि, उत्तर गुजरात परिश्रम और परोपकार की भूमि, उत्तर गुजरात मतलब सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास की भूमि। प्रदेश के इस विकास की नींव में है जन जन का पुरुषार्थ और इसी मिट्टी के एक सपूत का विजन, भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके मार्गदर्शन से इस क्षेत्र ने किया एक अभूतपूर्व विकास के महायज्ञ का शुभारंभ, जो कि आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज से करीब दो दशक पहले की ही बात करें तो नजर आता था एक ऐसा वीरान प्रदेश जहां एक ओर जल आपूर्ति की किल्लत तो दूसरी ओर बिजली की समस्या। हमारी बहन बेटियों को पानी जैसी मौलिक जरूरतों के लिए भी मटकी लेकर मीलों चल के जाना पड़ता था, तो सिंचाई के लिए पानी के अभाव के कारण किसानों की हालत भी दयनीय थी। और हुआ विकास का एक नया सूर्योदय। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन के साथ शुरू हुआ विकास का नया दौर। पावर सेक्टर में आया रिफॉर्म्स का नया युग। राज्य में 80,000 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस, हजारों नए ट्रांसफॉर्मर्स और सैकड़ों सब स्टेशंस का एक राज्यव्यापी नेटवर्क बिछाया गया और देखते ही देखते उत्तर गुजरात के हर गांव, हर खेत तक बिजली पहुंच गई। असंभव को संभव बनाने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लगभग 500 किलोमीटर लंबी सुजलाम सुफलाम स्प्रेडिंग कैनाल का निर्माण कराया गया और नर्मदा मैया का पानी आ पहुंचा इस सूखी भूमि के कोने कोने तक। पहले यहां सप्ताह में बमुश्किल एक बार नल से पानी आता था, जबकि आज हर घर में भगवान के प्रसाद के समान नल से जलधारा पहुंच रही है। पानी भी मिला और बिजली भी। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के पर ड्रॉप मोर क्रॉप सूत्र को आत्मसात कर यहाँ के किसानों ने सूक्ष्म सिंचाई को जी जान से अपना लिया। इसलिए तो आज यहाँ के किसान साल में 3 फसलें ले रहे हैं। एक समय जिस स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, ऐसे अनार, अंगूर, टमाटर, आलू, सौंफ आदि बागवानी फसलों की खेती कर आज रिकॉर्ड कीमत कमा रहे हैं हमारे किसान भाई। दूसरी ओर बिजली की उपलब्धता के कारण हर गांव में दूध के चिलिंग प्लांट स्थापित किए गए हैं। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस भूमि को अर्पित साबर डेयरी और दूध सागर डेयरी के प्लांट्स के माध्यम से श्वेत क्रांति को मिली है एक नई गति। यहां वेल प्लान्ड रेल और रोड नेटवर्क प्रगति का राजमार्ग बन चुका है। 1300 करोड़ की लागत से तैयार हुआ श्यामणा जी अहमदाबाद 6 लेन रोड और 511 करोड़ की लागत से तैयार साबरमती जगुदण ब्रॉड गेज रेलवे लाइन जैसे अनेक प्रोजेक्ट से परिवहन की स्पीड और स्केल दोनों बढ़ चुके हैं। आज जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रही है, तब इस विस्तार ने रिन्यूएबल एनर्जी से पूरे गुजरात को ऊर्जा दी है। पाटन जिले का चारण का सोलर पार्क और विश्व का सर्वप्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोढ़ेरा सूर्यग्राम भारत की शान बन चुके हैं। आज स्मार्ट सिटी की तर्ज पर यह पूरा विस्तार औद्योगिक विकास का भी स्तंभ बन चुका है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आद्य शक्ति के इस विस्तार के सुनहरे कल के लिए मिलने जा रहे हैं हजारों करोड़ के विकास के नए आयाम। इन प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं न्यू भांडू और न्यू सानंद के बीच ब्रॉड गेज रेल कनेक्टिविटी, साथ ही वीरमगाम से सामख्याली तक के 182 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का डबलिंग, गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 450 करोड़ की लागत से तैयार होगा कटोसण बेचराजी ब्रॉड गेज रेल लाइन, साथ ही वीजापुर और मानसा के तालाबों को किया गया है रिचार्ज और साबरमती नदी पर वलासना में बना है नया बैराज। पालनपुर ग्रुप पैकेज 1 और पैकेज 2 के साथ
धरोई डैम पर आधारित पालनपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसे प्रोजेक्ट्स इस पूरे विस्तार में नल से जल को सुदृढ़ बनाएंगे। इतना ही नहीं, नरोड़ा से धनसूरा रोड का चार मार्गीकरण और शहरी विकास विभाग के विविध प्रकल्पों से नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग में होगी बढ़ोतरी। ये है अमृत काल में अमृतमय विकास के लिए सुसज्ज उत्तर गुजरात। ये है फ्यूचर रेडी उत्तर गुजरात।